सो मेरी यूरोप की फर्स्ट इनकम थी गाइस। सो आई गेस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 3 एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय डे नाउ। सो हे गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फोन चार्जिंग पे लगाने के साथ। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए सीधा चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। एंड गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30। मेरी जस्ट आंख खुली है। एंड गाइस, आज हम बना रहे हैं चाय सुबह ही सुबह। ओके, सो लेट्स गो टू द रूम। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट स्लॉट विद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने विजन के नोट्स फॉलो किए एंड दे आर हेल्पिंग अ लॉट। एंड यस गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग विद यू। क्योंकि ये कमेंट मुझे इतनी बार आता है ना, तो पहले तो मुझे लग रहा था मेरा स्टडी चैनल है, मुझे इन सब चीज़ों से करना ही क्या है। बट अब मेरे को लग रहा है कि गाइज, बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, क्योंकि सब लोग उतना स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो अब हम थोड़ा ना बात किया करेंगे इन चीजों के बारे में भी। अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करने दो, फिर हम मिलते हैं हर चीज के साथ। मतलब आज क्या क्या होता है, पूरा दिन मैंने क्या क्या किया, I'm going to tell you in this single vlog। गाइज, अभी समय हो रहा है 6:20 और अंकल यहाँ पे अपने पेड़ों को पानी दे रहे थे। वेदर बहुत प्यारा है गाइज, सुबह सुबह मतलब अजीब सी ठंड लग रही है। तो गाइज, ये है थोड़ा सा मी टाइम। और अचानक से मेरे को याद आया, मैंने तो आज एक्सरसाइज ही नहीं की, तो फिर मैंने सोचा घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब बाहर जाने का मन नहीं था और हम जाते थे 4:30 के अराउंड, अब देखते ही हो रोज, बट आज सच में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा घर पे ही कर लेते, एक भी दिन मिस नहीं करना। फिर रूम में आके देखा तो इतने सारे कपड़े थे ना, तो मैंने सोचा आज इनको भी थोड़ा सा यार अच्छा फील कराऊं, तो मैंने इनको अच्छे से अलमीरा में रख दिया। और फिर रूम को भी अच्छा फील कराऊं, तो मैंने आज कई दिनों बाद उठाई झाड़ू, तो हम लगा रहे हैं अभी झाड़ू। गाइज, आज अब पढ़ाई के अलावा भी सारी चीज देखने वाले हो, होता क्या क्या मेरे लाइफ में। फिर मैंने सोचा जब झाड़ू लगाई दी है तो पोचा भी लगा दो और ज्यादा अच्छा बना दो। तो पहले तो मैंने हाथ से ट्राई किया, बट मेरे से हुआ नहीं, तो फिर मैंने अपना शॉर्टकट अपना लिया, फाइपर उठाया, उस पर पोचा लपेटा और मार दिया। फिर थोड़े से बर्तन रखे थे रात के, रात टाइम नहीं मिला था, उनको भी धुल दिया। फिर मैंने सोचा ब्रेकफास्ट भी प्रिपरेशन कर दूं ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो फिर बाद में, तो मैंने टमाटर काट के रख दिए। ना दो के मैंने की पूजा। So, जल्दी से प्रिपेयर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर पढ़ने चलते हैं। तो ये है मेरा दूसरा स्लॉट जिसमें हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये एनसीईआरटी है 10th क्लास का। तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट आर प्रीलिम्स इज कमिंग सून, सो हमें उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अन अकेडमी आपके लिए लेके आया प्रीलिम्स सक्सेस टेस्ट सीरीज 2024, जो स्टार्ट हो रहा है 22nd October से। इसमें टोटल 35 टेस्ट है जिसमें आपके कम्प्लीट सिलेबस को कवर कराया गया है। अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, वी रिक्वायर्ड अ गुड इंस्टीट्यूट टू नो आर रिजल्ट। So we have to choose our test series smartly, and you can see here the level of the question match करता है UPSC के साथ। इस test series को prepare किया है top most educators ने, and ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। So here just look at the questions of modern histories के लिए आपको पूरा clear होना चाहिए, and आपको ये questions करते करते आपका syllabus कब complete हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। So I think this is the best choice। So ऐसी कोई भी test series मत लगा लेना, level of the question check कर लेना, और इसके questions बहुत सही है, आपका पूरा syllabus हो जाएगा and practice भी हो जाएगी। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर जस्ट एनरोल कर सकते हैं और अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी, आप कितने कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, उसको पूरी डिटेल आपको लेटर बोर्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इनके मेन सक्सेस टेस्ट सीरीज भी सेम डे से स्टार्ट हो रहा है, 26 इसमें टोटल टेस्ट है। एंड अगेन सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो आप मैच कर पाएंगे। एंड आंसर इवेल्युएशन प्रोग्राम इनका काफी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड बाय साइड आपको आंसर इवेल्युएशन में कीवर्ड्स करके दिए जाएंगे, आपने क्या चीज मिस की है करंट का, आप क्या पॉइंट ऐड कर सकते थे और आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी आंसर इवैल्यूएशन में आपको डिटेल्स मिल जाती है और 10 डेज में इनका आंसर इवैल्यूएशन हो जाता है। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप जल्दी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड क्वेश्चंस का पैटर्न आप पहले चेक कर लेना, काफी सही है और बिल्कुल मैच कर रहा है UPSC के साथ।
सो आप भी उठा सकते हैं इस लिमिटेड टाइम ऑफर का बेनिफिट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक ऑल द रिलेटेड लिंक्स। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जल्दी आप एनरोल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूछते हैं न्यूज़पेपर कब से कर रहे हैं, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 तो आज से ही न्यूज़पेपर आप स्टार्ट कर सकते हो। एक भी दिन मिस मत करना, एक भी दिन डिले मत करना, अब टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर उठा लो आज से ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़पेपर करना चालू रखें। और आप मुझे बताना आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, मुझे कमेंट कर देना सारे के सारे, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, कोई क्वेरी है, जस्ट ओनली कमेंट। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं अपनी फर्स्ट बिजनेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूं या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफी लोगों को नीड थी कि कैसे हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड स्टडी करके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे शेयर करनी चाहिए। बट मेरे को एक नहीं दो लोगों ने कमेंट किया कि आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, वो पढ़ाई करने के बजाय आप अर्निंग में घुस जाएंगे, ये है वो है इस तरीके से करके। तो मैंने सोचा हमें भी हो सकता है, मुझे अपने तक रखना चाहिए। बट फिर से हजारों कमेंट आने लगे कि आप अपनी बिजनेस स्टोरी शेयर करो एंड आपकी फर्स्ट यूट्यूब इनकम क्या थी, ये क्वेश्चन तो कॉमनली रहता ही है। सो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम थी गाइस अराउंड 37,000। तो 37,000 मेरे को फर्स्ट टाइम अर्निंग हुई थी यूट्यूब से, एंड उसके लिए ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा मेहनत की थी। सो या और हाँ, मेरी बिजनेस स्टोरी भी बहुत जल्दी आने वाली है गाइस। पहले तो मेरी बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी और लोगों ने मुझे एक दो लोगों ने ये वाली बात बोल दी थी, जिस वजह से मैंने नहीं बनाई थी, बट अब वीडियो आएगी, डोंट वरी। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपको सिर्फ व्यूज चाहिए, आपने इसलिए बोल दिया था और इसलिए आप अर्निंग कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है वो मान सकते हैं, आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आएगा वीडियो आएगा, डोंट वरी। नाउ आई विल स्टार्ट गाइडिंग यू कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर दी थी। तो गाइज अब वीडियो फाइनली आ जाएगी, डोंट वरी। सो शाम को मैंने बैठ के पिया बाहर चाय, बहुत सही मौसम हो रहा था, थोड़ा सा मी टाइम, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हाय गाइज, शाम को मैंने धुले अपने कपड़े, फिर मैंने ली क्लास और अब इनको फैला देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, बट फिर भी फैला देते हैं, सुबह सूख जाएंगे। फिर मुझे फास्ट का कुछ लेना था, घर में कुछ सामान नहीं था खाने का, बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो हम आ जाते हैं शॉप पे। गाइज अभी यहाँ पे मेरे को दूध नहीं मिला, दूध लेने जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे, यहाँ पर भी नहीं मिला, फिर से अब दूसरी शॉप पे जाना पड़ेगा। आज मेरा सारा टाइम इसी में निकल जाएगा क्या, मुझे भी नहीं पता। नमकीन वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे फास्ट वाली नमकीन मिलती थी, तो मैंने भैया से यहाँ पे 50 रुपीज की नमकीन पैक कराई और हाथ भर चुका है मेरा। मैंने पपीता भी लिया था, तो उसके बाद मुझे धनिया लेना था क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर हम आ गए एक मिट्टी वाली शॉप पे, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मुझे क्या लेना था आई एम गोइंग टू टेल यू, वेट। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिए थे दो चाय पीने के कुल्हड़।